हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कैसे किया जा सकता है। इरेगुलर पीरियड होने के बहुत सारे कारण होते हैं एंड ये कारण मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने होम रेमेडी बताई, यानी काफी अच्छी होम रेमेडी है जो खुद मैं पर्सनली यूज भी करती हूँ एंड मुझे काफी फायदा भी मिला है। बट आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कैसे किया जा सकता है विद योगा एंड एक्सरसाइज, यानी आप एक्सरसाइज एंड योगा से अपने इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कैसे कर सकते हैं। कि रेगुलर पीरियड होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। ओके, सारे दिन लैपटॉप पे, फोन पे, या फिर हमारा ऑफिस का काम ही ऐसा होता है कि हम पूरे सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, घर पे आए तब बैठना, टीवी देखते हुए बैठना, मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करते जिससे फिट रह सके। ऐसा करने से क्या होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपने शरीर को चलाते ही नहीं है और कोई भी एक्सरसाइज योगा भी नहीं करते हैं एंड दिन पे दिन वेट भी गेन हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं एंड हमारा आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब सारा दिन लैपटॉप बैठना, फोन पे बैठना। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब भी ऐसी होती है कि उसमें सारा दिन बैठा रहना पड़ता है, अगर आपकी ऐसी जॉब है तो चीज मतलब बैठने वाली हो गई है, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से हमारा शरीर डे बाय डे खराब होता चला जाता है, हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती चली जाती है जिसकी वजह से बीमारियां भी बहुत सारी लगती है। तो एक उसमें से बीमारी ये भी होती है, ये हम बहुत हल्के में लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम ध्यान भी नहीं करते कि हमारा पीरियड कब आ रहा है, इस टाइम कब आया है, मतलब इस मंथ कब आया है एंड लास्ट मंथ कब आया था, हमारी पीरियड की डेट क्या है, कितने टाइम पे आता है, तो ये तो हम ध्यान भी नहीं करते और बहुत हल्के में लेते हैं। उसी की वजह से कुछ समस्या होती है लड़कियों को, उनके फेसियल हेयर आते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा थिक होने लगते हैं, मेल हार्मोन उनके अंदर बढ़ता है एंड इनको उनको क्या है इनफर्टिलिटी को फेस भी करना पड़ता है, यानी उनको बेबी कंसीव करने बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी और ज़्यादा वो स्ट्रेस में रहती है और परेशान हो जाती है और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपने पीरियड को सही कैसे करोगे, इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कैसे करोगे, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए जरूरी है। अगर आपका पीरियड सही होगा, पीरियड की साइकिल अच्छी होगी, सही होगी, इरेगुलर नहीं होगा, सही समय पर आता है, उसका फ्लो सही रहता है, कम नहीं आता ना ज़्यादा आता है, तो क्या अगर आपका फ्लो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपकी स्किन भी साइन करेगी, स्किन भी हेल्दी रहेगी। बट अगर आपका पीरियड रेगुलर की तरफ जा रहा है, रेगुलर हो रहा है, काफ़ी दिन तक पीरियड नहीं आते जिनको, उनके फेसियल हेयर आते हैं, उनके एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, काफ़ी सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है अगर आपके पीरियड इरेगुलर है, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके फेसियल हेयर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थिक थिक, जो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, काले होते हैं, अगर आपके ऐसे फेसियल हेयर आ रहे हैं तो उनको अगर ख़त्म करना चाहते हो तो वो वीडियो भी मैंने एक फुल नॉलेजेबल वीडियो बनाई है जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, वीडियो का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपके पीरियड डिस्टर्ब है तो आपको अपने पीरियड सही करने होंगे, रेगुलर पीरियड को रेगुलर करना होगा, तो गाइस कुछ योगा एंड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पहली बात तो आपको ये समझना है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। अब आप कहोगे कि हम तो जॉब पे जाते हैं, हमारा तो काम बैठने का ही है। ओके, बैठने का काम है, उस समय बैठे कोई बात नहीं। तो कई छोटी छोटी सी मैं आपको टिप्स भी देना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज एंड योगा बताऊंगी कौन सी हेल्पफुल होती है। आपका बैठने वाला काम है, आपका जॉब बैठने वाला है, आपका बैठने वाला काम है, तो यस वो तो करना ही करना है, क्योंकि सब कुछ तो हम नहीं छोड़ सकते। फिर भी हम अपनी बॉडी से काम कैसे करवाएं, क्योंकि क्या होता है अगर हम अपनी बॉडी से काम लेंगे तभी तो वो मतलब चलेगी, नहीं तो वो क्या होता है, जैसे आप मशीन देख लीजिए, मशीन क्या होती है, जब तक चलती है जब तक ठीक रहती है, ओके ज़्यादा चलाओगे तब भी खराब हो जाती है, बट उसका एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम वो चलनी चाहिए, तो वो चलती है तब तो ठीक है, लेकिन उसको अगर सालों साल तक उसे बंद रखोगे तो वो जाम हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी उसमें जंग लग जाता है। वैसे ही बॉडी का हिसाब है कि अगर बॉडी को हम चलाएंगे तो ठीक रहता है, कोई भी हमें बीमारी भी नहीं लगती, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, बट अगर हम उसे चलाएंगे ही नहीं, अपनी बॉडी से कुछ काम ही नहीं लेंगे, वो उसमें भी जंग लग जाती है, वो भी जाम हो जाती है, उससे क्या है आपको काफ़ी सारी बीमारी लगती है, प्रॉब्लम काफ़ी सारी क्रिएट होती है। और इसमें से एक प्रॉब्लम यह भी है कि महिलाओं को इरेगुलर पीरियड हो जाता है। आपको एक्सरसाइज एंड योगा तो करनी ही चाहिए, उसके लिए टाइम निकालिए अलग से, लेकिन फिर भी छोटी छोटी टिप्स क्या होती है कि अगर आपके पास में आप मोबाइल से बात कर रहे हो, फ़ोन से बात कर रहे हो आप, तब भी आप बैठ के बात करते हो, नो आपको चलते हुए वॉक करते हुए बात करनी है,
आप टीवी देखते हो, आप बैठ के आराम से रिलैक्स होकर टीवी देखते हो, बट आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास में मैं पूरे दिन बैठी हूँ, तो अगर मैं टीवी भी देख रही हूँ थोड़ा टाइम के लिए रात में, जैसे शाम को जैसे हम आते हैं जब टीवी देखते हैं, तब भी हम उसको बैठ के देखते हैं, रिलैक्स होकर देखते हैं, नहीं, आपको वर्क करते हुए उस टीवी को देखना है, यानी कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो वर्क करते हुए करना है, आपको वर्क करते हुए देखना है, तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी जो है आपकी बॉडी काम करेगी, वॉकिंग करते हुए अपने सारे काम कीजिए, एंड फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए उठिए, ये नहीं कि आप 10 घंटे आपका बैठने का काम है तो आप बैठे रहिए, नहीं, छोटे मोटे काम के लिए भी खुद को उठना चाहिए, बार बार थोड़ी बहुत एक्टिविटी करिए, ओके। तो ये तो हो गया कि आपको खुद वॉकिंग करनी है, चलना है, फिरना है, ये आपको करना है, एंड आपको कौन सी एक्सरसाइज एंड योगा करनी चाहिए, चाहे आपको वॉकिंग करनी चाहिए, वॉकिंग मतलब आप समझ लीजिए, वॉकिंग सिर्फ भागना ही नहीं, मतलब आपको सुबह उठना है भागना ही नहीं, ऐसा नहीं, आप नाइट में कर सकते हो, ये नहीं कि आपको दौड़ना ही है, आप धीरे धीरे चल सकते हो, आप अपना घर का काम खुद करिए, आपको कुछ सामान लेने जाना है तो खुद जाइए, ये भी वॉकिंग होती है, तो ये काम आप जरूर कीजिए कि आपको वॉकिंग करनी है, हाफ एन आवर, आधा घंटा आपको चलना ही चलना है, साथ में आपको कुछ योगा भी करनी चाहिए, योगा काफी हेल्पफुल रहती है आपके रेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में, अनुलोम विलोम कर सकते हो जिससे आपके पीरियड रेगुलर होंगे, क्योंकि अनुलोम विलोम आपके हार्मोन को बैलेंस रखता है, आप कपालभाति कीजिए, कपालभाति करने से आपका इरेगुलर पीरियड रेगुलर होता है, अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आप कम से स्टार्ट कीजिए, आप 5 सूर्य नमस्कार रोज कीजिए, 5 से फिर 10 कर सकते हो, 10 से 15 कर सकते हो, ओके, ऐसे आप बढ़ाइए धीरे धीरे करके, 5 ही कर लीजिए, 2 ही कर लीजिए, इतना ही ना फर्क, बस शुरू तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए कोई चीज, ओके, तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वो काफी हेल्पफुल होता है हमारे ओवरऑल बॉडी को ठीक रखने में एंड हमारे रेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में काफी हेल्पफुल रहता है, पीरियड की साइकिल को सही करने में। सूर्य नमस्कार आप सूर्य के सामने कर सकते हो, यानी सुबह का जो सूर्य उगता है उस समय पे कर सकते हो, देखो तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, ये फायदेमंद रहेगा, 20 मिनट काफी रहता है, 20 मिनट सुबह के सूरज के सामने बैठ सकते हो, बट ऐसे नहीं करना कि 4-4, 5-5 घंटे आप बैठे रहते हो सूरज के सामने, तो उसकी वजह से हमारी स्किन काफी डैमेज हो जाती है, ऐसा नहीं करना, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इतना बहुत होता है, ओके, इतना बहुत होता है, उसके सामने आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ओके, तो ये आप कर सकते हो, या फिर दोपहर में तो नहीं बैठना होता, या फिर शाम के समय पे जैसे 4-5 बजे के टाइम पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो एंड सूर्य के सामने कर सकते हो, सूरज के सामने कर सकते हो, ओके, तो इससे हमें विटामिन डी भी मिलेगा, डेली लाइफ में योगा एक्सरसाइज को लेकर आइए, उसको ऐड कीजिए और ये अपनी आदत बना लीजिए। मैं इमेज लगा दूंगा, आप इमेज देख सकते हो कि किस तरीके से करनी है, आपको एक अंदाजा लग जाएगा, एंड आप उसकी सेपरेट वीडियो जाके देखिए कि कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, एंड आपको आ जाएगा, और किसी के मतलब निगरानी में करना है अगर आपको नहीं आती है तो, ओके, अपने लिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, तो किसी की निगरानी में करनी है या फिर अगर आपको नहीं आती, अगर आप कम्फर्ट हो, आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो फिर, तो गाइज आप वॉकिंग कर सकते हो एंड आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये भी काफ़ी हेल्प रहती है, 2 से स्टार्ट कीजिए, 5 से स्टार्ट कीजिए एंड धीरे धीरे आप 20-25 तक कर सकते हो। रेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में मत्यासना काफ़ी अच्छा रहता है, तो इमेज पर यहाँ पर मैंने लगा दी है, आप देख सकते हो कैसे किस टाइप से करनी है, ओके, जो आपसे एक्सरसाइज हो सके, जो आपसे योगा हो सके वही कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, एकदम नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़, क्योंकि तबीयत भी खराब हो जाती है, तो एकदम से नहीं करनी है, क्योंकि बॉडी में और ज़्यादा दर्द हो सकता है, तो वो आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए शुरू से कम से स्टार्ट करनी चाहिए कोई भी चीज़, ओके, तो मत्यासना मैंने इमेज लगा दी है, आप देख सकते हो कैसे करनी है, वो आप कर सकते हो, आपके रेगुलर पीरियड को रेगुलर करता है। धनुरासन, धनुरासन भी काफी हेल्पफुल है रेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में, तो आप धनुरासन कर सकते हो। भुजंगासन, भुजंगासन काफी हेल्पफुल रहता है रेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में, पीरियड के टाइम पर पेन होता है, दर्द होता है, क्योंकि काफी लड़कियों को होता है दर्द, काफी ज्यादा होता है, तो क्या होता है, अगर आपके दर्द भी होता है पीरियड के टाइम पे, तो वो दर्द में भी राहत देता है एंड आपके रेगुलर पीरियड को रेगुलर करता है, आपके इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करता है भुजंगासन। उस्त्रासन भी आप कर सकते हो, इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करता है, और जो पीरियड के टाइम पे दर्द होता है वो भी, अगर आप ये वाले योगा करते हो वो दर्द, उसमें काफी राहत मिलती है। आप बटरफ्लाई कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहती है, एंड ये योगा एंड एक्सरसाइज उनके लिए भी हेल्पफुल है जो फर्टिलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं एंड बेबी को कंसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है।
जानु सरासन भी कर सकते हो, इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करता है। इसका इमेज मैंने लगा दी, तो गाइस मैं सबकी इमेज लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और जो जो आपको अच्छी लगती हो, जो आप कंफर्ट हो उसमें करने में, वो योगा आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उनमें से दो तीन योगा आपको डेली करनी है, तो दो तीन योगा आज कर सकते हो, दो तीन योगा आप कल कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिले, वो चीज़ कीजिए। एंड आपको फिर आदत से भी पड़ जाएगी कि आप उसके बिना भी नहीं रह पाओगे। एंड मैंने आपको कुछ टिप्स दी है कि आपको बैठ के टीवी नहीं देखना है, अगर आप होल डे बैठे रहते हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, और आप फिर थोड़ा सा टाइम आप टीवी देख रहे हो उसमें भी आप बैठे बैठे देख रहे हो, तो चल चल के वॉकिंग करते हुए देख सकते हो। एंड आपको सारा सामान अपना घर का खुद ही लेके आइए, किसी और से मत मंगाइए, खुद ही लेके आइए, तो यही वॉकिंग हो जाएगी। अगर आप अलग से वॉकिंग नहीं करना चाहते, आपको टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप घर का काम खुद करेंगे, तो उसमें क्या है, हमारी वॉकिंग भी हो जाएगी, आप अपने बॉडी से काम भी ले लोगे। ओके, तो ये आपको करना है, ये कुछ योगा एक्सरसाइज मैंने बता दी है, जिससे आप अपने इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कर सकते हो। एंड मैंने होम रेमेडी भी बताई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइस, वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पहले ही अपलोडेड है। ये योगा आप कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहती है रेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। गाइस अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, कर देने एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा कुछ लोग कर रहे हैं करने का। यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन घंटी आएगी उसे जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।